कांग्रेस की सुक्कू सरकार का ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, उस पर चर्चा हुई और चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण विषयों में विपक्ष की ओर से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। और ये हकीकत है कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं, उल्टी पिछली बजट की बहुत सारी योजना को दोहराने की कोशिश की कि जिनको वो शुरू नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं हम शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ में जिस तरह से बजट में चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो प्रश्न उसमें से पैदा हुए और उस बात को लेकर के जब हम महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने की उनकी शायद एक क्षमता होगी लेकिन हमारी सुनने की झूठ बोलने की क्षमता नहीं रही, और ना ही प्रदेश के लोगों की झूठ बोलने की, झूठ सुनने की क्षमता नहीं रही है। झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं, और खास तौर से अभी जो JIT का 817 पोस्ट कोड्स, 817 का जो 1867 की भर्तियों के सिलसिले में जो बात कही सबसे पहले उनने, उससे शुरुआत की कि टेक्निकल ग्राउंड पे ठीक है कोर्ट में चले गए, कोर्ट में किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है जब तक कोर्ट में मामला था तब तक के लिए उस सारे मामले में हम निर्णय नहीं ले सकते थे। अब जब कोर्ट ने रिजल्ट निकालने के लिए आदेश कर दिए, उसके बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं, 14 महीने से सुक्कू जी आपकी सरकार है, इसका, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? और वो बच्चे अभी भी सर्दी के मौसम में ठिठुर रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नाकामियों पर। और खास तौर से जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जहां वो कह रहे हैं कि पेपर लीक की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार में PMT का पेपर लीक नहीं हुआ था, पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ था? PMT का पेपर लीक होने के बाद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था, कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट ने वो जो PMT का जो एग्जाम था उसको रद्द किया था, तब जाकर के नए सिरे से PMT का वहां पर एग्जाम हुआ था। पुलिस भर्ती में इंक्वायरी चलाई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी, हमने चार्जशीट उनके खिलाफ दायर की। इन बातों का जवाब है, हम उनको कह रहे हैं कि आप कार्यवाही करिए, लेकिन जो बच्चे सड़कों पर बैठे हैं जिनके रिजल्ट निकलने चाहिए उनके रिजल्ट निकालिए। इंक्वायरी चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी यही जवाब दिया कि जब तक जांच होती रहेगी तब तक के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा और बातों का जिक्र किया, एक्साइज पॉलिसी की अगर बात कही, ये भी आंकड़े सत्य नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं वो, इसलिए झूठ बोलने की उनकी क्षमता होगी लेकिन हमारी झूठ सुनने की क्षमता नहीं। अब उनका जवाब देना पड़ेगा, क्या ये सत्य नहीं है कि जो प्रोजेक्टेड फिगर थी इनकी 2500 करोड़ की, इस बार रेवेन्यू इकट्ठा करने के उससे 600 करोड़ शॉर्ट है अभी तक, जबकि अब एक ही महीना रह गया 31 मार्च के लिए, और उस सूरत में वो उसको कैसे पूरा करेंगे? कितने शराब के ठेकेदार शराब का जो है वो बोली लगने के बाद बीच में छोड़ गए, भाग के चले गए, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। और उल्टा ऊपर से कह रहे हैं कि इनके कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जिस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका, मैं उसी पर आ रहा हूं, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए, और हमारे मंत्रियों ने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को वहां से निकाला, सैकड़ों के लोगों बताए से वो निकाले, धन्यवाद भाई, ठीक है वहां से उनके मंत्रियों ने प्रयास किए, लेकिन आर्मी के बारे में ऐसे शब्द मुख्यमंत्री कहे कि आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, ये शब्द उनको कभी नहीं बोलने चाहिए। सेना के जवानों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके कितनी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, लोगों की जिंदगी बचाई,
और सेना ने कितनी मुस्तैदी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब त्रासदी आई थी उस वक्त काम किया है, और उसके बाद सेना के प्रति इस प्रकार के शब्दों को जो है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और उसके बाद आगे बात करें, इनके एडवाइजर घूमते रहे हेलीकॉप्टर में, लोग जमीन पर मिट्टी के नीचे धंसे हुए, और कांग्रेस पार्टी के मंत्री और नेता इनके एडवाइजर जो है हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, और हेलीकॉप्टर भी वो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिया गया है। स्टेट चॉपर में घूमते समझ में आता, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिए गए उसमें घूमते रहे। इसलिए कम से कम थोड़ी संवेदना होनी चाहिए उनको। मैं बहुत सारी बातों को अब कहने नहीं चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने रुख अख्तियार कर लिया है, जिस तरह का कर लिया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिस तरह से उनके दल की ओर से कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने शब्दों का चयन किया है, शब्द जिस प्रकार से बोले हैं सदन के अंदर, भले ही उन लोगों को कार्यवाही से निकाल, लेकिन सत्ता के नशे में मदहोश हो गई है सरकार, और इस लोकसभा के चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।